हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज मैं ड्राई फिश की चटनी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिया है, देख सकते हैं ये ड्राई फिश, इसको हम लोग सीदौल माछ बोलते हैं। तो इसको मैंने लिया है चार, और टमाटर चार मैं रोस्ट कर लूँगी, और इधर है ड्राई चिली, ग्रीन चिली और लहसुन। तो टमाटर में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा के इसको हम चूल्हे पर रोस्ट कर लेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो इधर मैं इंस्टा के लिए भी शॉर्ट्स ले रही थी, आप लोग इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा यूजर नेम है सिनुस किचन ऑफिशियल। और ये देख सकते हैं एक साइड से ये मतलब रोस्ट हो गया है, अभी दूसरे साइड भी पलट देंगे। और दो टमाटर रोस्ट हो गया है, बाकी भी दो भी हो रहे हैं, तब तक ये जो फ्राई मतलब फिश है इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो कढ़ाई अच्छे से पहले गरम कर लेना है, उसके बाद इसको रोस्ट करना है। चार टमाटर के हिसाब से ये चार फिश लिया है, और इधर चारों टमाटर रोस्ट करके हो गया है, इसका छिलका हटा लेंगे। और ये टमाटर बहुत ही अच्छा था, देख सकते हैं इसका कलर पूरा लाल था और पका हुआ था अच्छे से। तो इसको रोस्ट करते टाइम ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और चूल्हे पर रोस्ट किया हुआ इसका टेस्ट ही अलग होगा। तो ये देख सकते हैं टमाटर, तो इसको थोड़ा मैश कर लेंगे। तो इसको मैश करने के बाद जो टुकड़ा है इसका ये हम निकाल लेंगे। इधर जो ड्राई चिली लिया है इसे भी रोस्ट कर लिया है, और अभी मिक्सर बाउल में इसे टमाटर जो दरदरा सा था मतलब टुकड़ा था इसको हम मैं पीस लूँगी। इसके साथ जो फिश ड्राई रोस्ट करके रखा था वो साथ में सूखी लाल मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, अभी इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हमारा फिश चटनी बनके रेडी हो गया। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप लोग भी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये जो फिश का नाम है हिंदी या इंग्लिश में मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, अभी मुझे सर्च करना पड़ेगा। तो ये आज का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।